एसपी आकाश तोमर के निर्देशन में एक दिल पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान फर्जी कार्यक्रम ब्रांच बनकर लूट करने वाले 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले कई बड़ी वारदातों को दे चुके थे अंजाम। लगभग 1,12,000 रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल व अन्य कुछ और घटना से संबंधित माल बरामद किया गया है। क्षेत्र अधिकारी नगर SM वैभव पांडे ने पूरी जानकारी दी है। जनपद इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल रात थाना एक दिल में चेकिंग करी जा रही थी तो मुखबिर खास द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग जो कि पुलिस वाला या क्राइम ब्रांच वाला बनकर लोगों से ठगी एवं लूट करते हैं, 2 मोटरसाइकिल से सवार होकर मानिकपुर मोड़ से आ रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा जब इनको पकड़ने का प्रयास किया गया तो उनमें से एक व्यक्ति भाग निकला, बाकी 3 लोग 2 मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए। इन तीनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस वाला या क्राइम ब्रांच का सिपाही बनकर कई लूट एवं चोरी घटनाओं को करना स्वीकार किया गया है, जिसमें से कि फ्रेंड्स कॉलोनी में एक महिला के साथ जो चेन छीनी गई थी वो मुकदमा उन्होंने स्वीकार किया है कि वो घटना उन्होंने करी है। साथ ही कोतवाली क्षेत्र में जो अप्रैल में जैन मंदिर में चोरी हुई थी वो भी इनके द्वारा कारित करी गई थी। कोतवाली में पिछले हफ्ते जो एक लूट हुई थी मोटरसाइकिल सवार से मास्क ना पहनने कर वो डरा कर वो भी उन्होंने करी थी। साथ ही एक और व्यक्ति से गाड़ी के कागज चेक करने के नाम पर इन्होंने मोबाइल और पैसे छीने थे, वो भी घटना इनके द्वारा कारित करी गई थी। इस प्रकार ये ऐसा गैंग है जो पुलिस वाला या क्राइम ब्रांच का सिपाही बनकर लोगों को डरा धमका कर उनके साथ लूट करते हैं, साथ ही चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनके पास से लगभग 1,12,000 रुपये नगद रुपया प्राप्त हुआ है। साथ ही DVR मंदिर में जो DVR लगा था वो भी प्राप्त हुआ है। कुछ सोने या आभूषण जैसी चीज़ें भी प्राप्त हुई हैं और इन पर अभियोग दर्ज करके जो पूरी आगे अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है।